so delicious, so healthy, just tasting like a wow. Hello my healthy foodie friends and welcome to my channel Quick and Healthy Bites. आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो देख के आप सरप्राइज तो ज़रूर हो जाएंगे. वेल, क्या आपको भी चॉकलेट मूज पसंद है? आर यू ऑल्सो अ चॉकलेट लवर लाइक मी? अगर आपका आंसर हाँ है तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने चॉकलेट लव को बरकरार कैसे रख सकते हैं बिना किसी गिल्ट के. दिस इज अ नो शुगर नो क्रीम नो गिल्ट चॉकलेट मूज रेसिपी जिसे हम बनाएंगे स्वीट पटेटो से. क्यों, हो गए ना शौक? चॉकलेट मूज जिसमें कोई फैटी चीज नहीं है, है ना ये इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग? तो अगर आप भी हेल्दी खाना चाहते हो बट मेरी तरह यू हैव अ स्वीट टूथ तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ये रेसिपी ट्राई करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पसंद आई कि नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी. तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने बेस है इस डेजर्ट का यानी कि स्वीट पटेटो उसे बॉईल करने के लिए रखा है. जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तब आप इस स्वीट पटेटो को डालें और उसे एक लिड से कवर करके थोड़ा सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेंगे. जब ये स्वीट पटेटो देखो आप थोड़ा सॉफ्ट हो गया, इसका जो कवर है वो निकलने लगा है, तब आप समझ जाएं कि स्वीट पटेटो बॉईल हो गया है. तो अब आप इसे निकाल के थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दें. जब ये स्वीट पटेटोज थोड़े ठंडे हो जाएं तब एक फोक की हेल्प से हम इसे पील कर लेंगे और इसे इस तरह से इसका छिलका निकाल लेंगे. तो इस तरह से हमें सारे स्वीट पटेटोज का छिलका निकाल लेना है, पील कर लेना है उसे. और अब लेंगे हम एक मिक्सर ग्राइंडर और इसमें जो स्वीट पटेटोज है उसे थोड़ा कट करके डाल लेंगे. अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोक्ड डेट्स एंड फिग्स, यानी जो हम इसमें स्वीटनेस देंगे वो हम देंगे डेट्स से और अंजीर से. तो आप इसे अगर आप इंस्टेंट बना रहे हैं तो आप स्वीट पटेटो जब बॉईल करने के लिए रखें उसी टाइम हॉट वाटर में डेट्स और अंजीर भी सोक कर दें, और नहीं तो आप 4 से 5 घंटे तक ये डेट्स और अंजीर को सोक करके रख सकते हैं. और फिर इसमें डालेंगे हम कोको पाउडर अराउंड 1 टेबल स्पून एंड 1/2 कप मिल्क डाल के हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे. इफ़ यू आर अ वीगन यू कैन ऑलवेज यूज कोकोनट मिल्क या फिर आमंड मिल्क. और इस तरह से स्मूथ पेस्ट हो जाए तब तक हमें इसे ग्राइंड कर लेना है. अब इसे एक ग्लास बोल में निकाल लेंगे और रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देंगे फॉर अराउंड 2-3 आवर्स. तो इसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा एक्चुअली रेफ्रिजरेट या चिल्ड करने पे ही एनहांस होगा. तो आप इसे 3-4 आवर्स के लिए आराम से, मतलब आप ओवरनाइट भी इसे रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, बट डू रेफ्रिजरेट डू नॉट फ्रीज इट. एंड फिर अब अराउंड 4 आवर्स के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ एंड आई एम सर्विंग इट इन शॉट ग्लासेस फॉर दैट ऑथेंटिक चॉकलेट मूज लुक. तो इसमें अराउंड 3 से 4 टीस्पून मूज जा रहा है मेरा एक शॉट ग्लास में. अच्छा, अगर आपको इसमें अंजीर अवॉइड करना है तो आप अंजीर ईजिली अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ डेट्स डाल के भी इसको स्वीट कर सकते हैं. एंड अब टू टॉप इट विथ सम क्रंची एंड नटी फ्लेवर आई विल गार्निश इट विथ सम सोक्ड एंड चॉप्ड आमंड्स. आप चाहें तो रोस्टेड आमंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं या अनसॉल्टेड पिस्ता या वॉलनट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्रूटी फ्लेवर के लिए स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप इंजॉय करें. तो आप इसे सर्व करें बिल्कुल चिल्ड एंड इन्जॉय करें इस हेल्दी चॉकलेट मूज को. इसे जो भी खाएगा ना वो बस यही कहेगा सो डिलिशियस सो हेल्दी इट जस्ट टेस्ट लाइक अ वाओ. सो इन्जॉय करिए ये रेसिपी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड.